हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ये एनाटॉमी फिजियोलॉजी का पार्ट फोर्थ और फोर्थ में हम टिश्यू की स्टडी करेंगे, टिश्यू ऊतक। ठीक है, इस चैप्टर को थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, आपकी समझ में आ जाए इसके लिए मैं थोड़ा पीछे चलता हूँ। और पीछे में हमने जो स्टडी की है पहली दो वीडियोज में, एक में तो सेल की स्टडी की है और एक में सेल डिवीजन की। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप मेरे प्लेलिस्ट CMSED में जा करके वो दोनों वीडियोस देख लीजिए। उसके बाद आप यहाँ आएंगे तो हल्का सा समराइज कर देता हूँ मैं। स्टडी ऑफ द सेल हम साइटोलॉजी कहते हैं, स्टडी ऑफ टिश्यू को हम हिस्टोलॉजी कहते हैं। तो अभी हम जब स्टडी करेंगे तो वो हिस्टोलॉजी में जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हमने सेल का डिवीजन देखा, बट सेल के ही केस में अगर हम आगे बढ़ते हैं तो सेल डिवाइड होकर के डिवीजन होता है मिटोसिस एंड मायोसिस के द्वारा। तो नंबर ऑफ सेल्स जब इंक्रीज हो जाएंगी तो वो सेल मिलकर के टिश्यू बनाएंगे और टिश्यू मिलकर के ऑर्गन बनाएंगे, ऑर्गन मिलकर के बॉडी बनाएंगे। इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा और क्लियर करने के लिए कि कैसे कैसे होंगे, फिर से हम सेल वाले चैप्टर में चलते हैं थोड़ी देर के लिए और फिर देखते हैं कि वो क्या होता है। टाइप ऑफ सेल्स में हमने पढ़ा कि दो तरह की सेल होती है, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक सेल को यूनिसेलुलर सेल कहते हैं, उनमें कोई न्यूक्लियस नहीं होता। जिनमें न्यूक्लियस नहीं होता उनका जो डिवीजन होता है वो अमाइटोसिस होता है, असूत्री होता है, उसमें कोई सूत्र नहीं लगता। तो इसकी तो हम बात छोड़ ही देते हैं प्रोकैरियोटिक की, बात करते हैं हम यूकैरियोटिक की। यूकैरियोटिक की जब बात करते हैं तो इसमें सिंगल और मल्टी सेलुलर सेल्स होती हैं जिनमें न्यूक्लियस होता है। उस न्यूक्लियस के होने पर इसी में हम लोग आते हैं, ह्यूमन बॉडी आते हैं यूकैरियोटिक में। यहाँ आपको सिंगल सेल भी मिलेगी बट न्यूक्लियस होगा, मल्टी सेलुलर सेल मिलेंगी मतलब बहुत सी सेल मिलेंगी, उनमें सब में न्यूक्लियस होगा। टाइप ऑफ सेल्स इन ह्यूमन बॉडी में ये मोर देन 2000 टाइप्स की होती हैं। मानव शरीर में 200 से ज़्यादा प्रकार की सेल्स होती हैं, उनमें से कुछ मेनली सेल्स जो हैं उनके बारे में हम आज देख लेते हैं। फ्रेंड्स, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मैं पीछे से कवर कर रहा हूँ, वरना यहीं से स्टार्ट हो सकते हैं, इसका लिंक हो जाएगा, आपको अच्छा लगने लगेगा, आपको आई थिंक पढ़ने से भी प्यार हो जाएगा। तो उसमें हम अगर लेके चले तो टाइप ऑफ ह्यूमन सेल्स जो होती हैं ह्यूमन बॉडी में वो मोर देन 2000 टाइप्स की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? मेल अगर हम देखें, इपिथेलियल सेल, मसल सेल, कनेक्टिव सेल, नर्व सेल, ये सेल ही हैं, सब की सब सेल हैं। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक थी, तो प्रोकैरियोटिक की तो बात हमने छोड़ ही दी क्योंकि यूनिसेलुलर होता है, उसमें न्यूक्लियस नहीं होता, वो तो हमने छोड़ ही दिया। अब हम यूकैरियोटिक में आते हैं तो ये सारी की सारी सेल, कार्टेज सेल, बोन सेल, ओवा सेल, स्पर्म सेल, फैट सेल, फैट सेल में दो तरह की सेल होती है, वाइट एडिपोज और ब्राउन एडिपोज, राइट। तो यहां से हमें ये क्लियर हो जाता है फ्रेंड्स के अब ये कनेक्ट होता चला जाएगा, क्योंकि टिश्यूज में हम जाकर के जब स्टडी पढ़ते हैं कि टिश्यू क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेल्स। तो जो ग्रुप है सेल का वो हैविंग द सिमिलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, उसका जो स्ट्रक्चर है सेल जो है उनका हैविंग द सिमिलर स्ट्रक्चर, वो एक सी हो, उनका फंक्शन एक सा हो। यानी कोई भी टिश्यू बना उसमें जो भी सेल्स यूज हुई हैं वो एक सी हो और उनका काम करने का ढंग भी एक सा हो, तो उससे एक टिश्यू बनता है, एक ऊतक बनता है, राइट। ये जो ऊतक है, यानी कि ऊतक की जो डेफिनेशन हो गई, ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग द सिमिलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, जिसका फंक्शन सेम हो, स्ट्रक्चर सेम हो, वो टिश्यू होता है। तो टिश्यू की जब डेफिनेशन क्लियर हो जाती है तो फिर आगे चलते हैं। आवर बॉडी कंपोज्ड 4 टाइप ऑफ टिश्यूज, हमारी बॉडी में 4 तरह के सेल होते हैं। सेल तो इतनी तरह की टिश्यूज होते हैं, 4 तरह के टिश्यूज होते हैं, सेल इतनी तरह की होती हैं, मोर देन 2000 टाइप की सेल्स होती हैं। तो इन 2000 टाइप की सेल्स को स्टडी करना, सबके अलग अलग कनेक्ट होने से टिश्यू बनना, वो थोड़ा टिपिकल हो जाता है। इसलिए इसको सिंप्लीफाई करने के लिए इनको 4 भाग में ही बांट लिया, 4 टाइप्स में बांट लिया, और 4 टाइप्स में विच डिफर फ्रॉम ईच अदर इन शेप। जो 4 टाइप हैं वो एक दूसरे से अलग हैं आकार में,
शेप साइज में, शेप साइज में, आकार में, शेप आकृति में, आकृति और आकार में अलग है, टाइप ऑफ सेल्स, सेल्स के टाइप अलग है उनमें, ये इतने टाइप हैं सेल के, इन अमाउंट क्वांटिटी में वो अलग है, एंड टाइप ऑफ मैट्रिक्स उनके मिलने जुलने में, उनके किस तरह से कंपोज हुए हैं, किस तरह से एक दूसरे से मिले हैं वो सेल्स, वो मैट्रिक्स भी उनकी अलग है, राइट? तो टिश्यू की डेफिनेशन हमारी इस तरह से क्लियर हो जाती है कि ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग द सिमिलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन. उसमें ही आवर बॉडी कंपोज फोर टाइप ऑफ टिश्यूज, चार तरह के टिश्यूज होते हैं हमारी बॉडी में, राइट? उन चार तरह के टिश्यूज में वो सब डिफर करते हैं, जो चारों तरह के टिश्यूज हैं. चार तरह के टिश्यूज कौन कौन से हैं? मेनली हम कहते हैं एपिथेलियल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू. एपिथेलियल टिश्यू को आते हैं आगे. टिश्यूज में चार तरह के टिश्यू हुए, एपिथेलियल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू. तो एपिथेलियल टिश्यू जो है इसे उपकला ऊतक कहते हैं हिंदी में, उपकला ऊतक. मस्कुलर को पेशीय ऊतक कहते हैं, कनेक्टिव को संयोजी ऊतक कहते हैं, कनेक्टिव माने कनेक्शन दे रहा होगा, नर्वस को तंत्रिका ऊतक कहते हैं. इसका जो काम होता है एपिथेलियल टिश्यू का, जो कवरिंग एंड प्रोटेक्टिंग, हमारी बॉडी को कवर करने का और उसे प्रोटेक्ट करने का. कवरिंग मतलब जो इंटरनल कैविटीज हैं उनको सबको ढकने का, ऊपर से प्रोटेक्ट करने का आवरण बना हुआ होता है. इसका मूवमेंट, ये मस्कुलर सेल जो होती है हमारी बॉडी के हाथ पैर के चलने में, यानी कि यहाँ की मसल्स हैं तो हाथ को चलने में, मूवमेंट में, पैरों की मूवमेंट में, हाथों की मूवमेंट में. कनेक्टिव टिश्यू जो होती है ये स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क ऑफ द बॉडी, संरचनात्मक ढांचा होता है, मतलब बॉडी का बनने का ढांचा होता है, ढांचा होता है, यानी कनेक्ट और एक दूसरे को कनेक्ट करके रखती है आपस में. जैसे ब्लड है वो कनेक्टिंग टिश्यूज में आता है. नर्वस सेल जो होती है तंत्रिका ऊतक होती है जो कंट्रोल करती है डिफरेंट फंक्शंस ऑफ द बॉडी. तंत्रिका सेल ऊतक जो होते हैं ये हमारी बॉडी के अलग अलग फंक्शंस को, कार्यों को नियंत्रण करते हैं. तो ये ब्रेन में होते हैं, नर्वस नर्व में होते हैं. अब इतनी बात अगर आपकी समझ में आ रही है, वैसे बहुत ही इजी वे में लेके आए हैं, तो अब अगर इसको दूसरी तरह से आप देखें कि ये चारों तरह की जो टिश्यूज हैं इनका जो काम हुआ वो, अगर हम फंक्शन ऑफ द टिश्यूज देखें ऑल ओवर द बॉडी, तो ये सीक्रेट ऑफ द केमिकल सब्सटेंसेस, यानी कि जो टिश्यूज हैं चारों तरह की टिश्यूज या और भी इनमें सब डिवीजन होंगे, उन सब का जो कार्य होगा वो एंजाइम, हार्मोन एंड लुब्रिकेंट सीक्रेटेड बाय द ग्लैंडुलर टिश्यू. ग्लैंड बनेंगे उन, वहां से ये सीक्रेट हो रहे होंगे. रिडक्शन ऑफ द फ्रिक्शन, हमारी बॉडी में मान ली नर्व्स में ब्लड बह रहा है, ब्लड और नर्व्स के बीच में फ्रिक्शन होगा, उस फ्रिक्शन को रिड्यूस करने का काम ब्लड वेसल वॉल और ब्लड फ्लो में जो फ्रिक्शन हो रहा है उसको रिड्यूस करने का काम भी हमारी ये टिश्यूज करती है. प्रोड्यूसिंग द बॉडी हीट, हीट बॉडी को जो हीट प्रदान होती है, हमारा ब्लड अंदर से गर्म होता है, हमारी बॉडी गर्म होती है, उसको भी ये टिश्यूज ही करती हैं. एसिड बेस बैलेंस, बॉडी में एसिड और बेस इन दोनों का बैलेंस बनाने के रखने के लिए ऑक्सीजन को इनहेल करके और कार्बन डाइऑक्साइड को ब्रीद आउट करके उसका बैलेंस बना करके लिए टिश्यूज रखती हैं. स्ट्रक्चरल सपोर्ट, हमारी बॉडी के जो स्ट्रक्चर है इसको भी सपोर्ट ये टिश्यूज यानी कि ऊतक ही देते हैं. फ्रेंड्स, इस तरह से ये बहुत ही ब्रीफ में हम एक एक करके एपिथेलियल सेल को, मस्कुलर को, कनेक्टिव को और नर्व्स को, इन चारों को अलग अलग करके भी देखेंगे और इसके अलग अलग पार्ट्स बनेंगे. पहला एपिथेलियल टिश्यू का, फिर मस्कुलर का, फिर कनेक्टिव का, फिर नर्व्स का. वेरी इजी वे में, अगर आपकी समझ में नहीं आ रहा है यू कैन कमेंट भी, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, राइट फ्रेंड? मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा और आप मुझे अपना सजेशन भी दे सकते हैं कि मैं और किस तरह से इसे गुड कर सकता हूँ. ओके फ्रेंड्स, तो आज ये इतना ही. उसके बाद अब नेक्स्ट वीडियो में हम चलेंगे एपिथेलियल टिश्यूज पे, फिर मस्कुलर पे, फिर कनेक्टिव पे, और यानी कि अगली चार वीडियोज और इसी पे संबंधित होंगी. उसके बाद फिर आगे चलेंगे. आई थिंक आपकी समझ में आ रहा होगा, और आपकी समझ में अगर आ रहा है तो फिर आपसे वही रिक्वेस्ट रहेगी, सब्सक्राइब, हिट द बेल आइकन, शेयर टू योर फ्रेंड्स,
एंड लाइक।